तो आज हरियाणा दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज हरियाणा दौरे पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिवानी के अनाज मंडी में शपथ समारोह होने जा रहा है। सीएम केजरीवाल, भगवंत मान मौजूद रहेंगे, जो नवनियुक्त पदाधिकारी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका ये शपथ समारोह जो है वो शुरू होने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप में सर्कल लेवल तक पदाधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में तेजी से आपका विस्तार हो रहा है और इस दिशा में आज ये बड़ी रैली जो है वो होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिवानी में हुंकार भरेंगे सीएम केजरीवाल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। भिवानी में आपके हुंकार, सीएम केजरीवाल, भगवंत मान भी यहां पर शामिल होंगे और नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे केजरीवाल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपक मुटरेजा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कोशिश में यहां पर कि हरियाणा में किस तरीके से पार्टी का विस्तार हो, और इसकी अगर आज हम भिवानी की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन मंच पर मौजूद रहेगा, कितना उत्साह आप कार्यकर्ताओं में आज देखने को मिल रहा है? आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का दृश्य, किस प्रकार से यहाँ की जो कुर्सियां हैं वो कार्यकर्ताओं के आने की संभावनाएं बताई जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है इस कार्यक्रम पंजाब से भी काफी सारे लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं। आप भी आपको बता दें कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया जो है वो नहीं है। यही आपको चार लोगों को, पदाधिकारियों को जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो शपथ जो है वो दिलवाएंगे। आपको बता दें सुशील गुप्ता जो है वो भी, अनुराग ढांडा हमारे काफी संख्या में शामिल होने की संभावना है। बताइए 3 बजे के बाद इस रैली का जो है शुरुआत हो जाएगी। रैली 3 बजे के आसपास है, दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो पहुँच जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो इस कार्यक्रम जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, हालांकि देखा जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ विस्तार हरियाणा में यहाँ पर कर रही है, ये संकेत है कि आगामी चुनावों में मुकाबला जो है वो यहाँ पर त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। यानी आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर जनता के बीच उतरने जा रही है। पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रैलियां लेकर के पहुंच भी रही है। इसी कड़ी के अंदर आज इस प्रकार से आम आदमी पार्टी की भिवानी के अंदर जो रैली है वो होने जा रही है। लगभग 3 बजे के आसपास जो है ये रैली भिवानी में अनाज मंडी के अंदर जो है शुरू होगी। भारी लोगों के यहाँ आने की संभावनाएं जो है वो दिखाई जा रही है। संख्या के अंदर लोग दीपक, कितने बजे कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और अरविंद केजरीवाल के साथ इस मंच पर और कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, आप बता दो की अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो है पंजाब मुख्यमंत्री अनुराग ढांडा जी शामिल कार्यक्रम के अंदर अभी शामिल होंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। बिल्कुल दीपक, हालांकि देखा ये यहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है देखना राजनीतिक हलचल किस तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा में अगर देखा जाए यहाँ पर लगातार पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं बयानों के जो वार पलटवार है वो देखने को मिलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की यहाँ पर ये एंट्री किस तरीके से हरियाणा की राजनीति को आगे प्रभावित यहाँ पर करती दिखेगी? आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला माना जा रहा था,
लेकिन अब जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो पहले जो है सर्वे करवाएंगी, सर्वे के बाद जो है टिकटों की घोषणा होगी, वो जिताऊ कैंडिडेट को आगे लेकर के आएंगे। लेकिन अभी तिकोनिया मुकाबला हरियाणा के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या के अंदर इस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि शामिल होंगे लोग काफी, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा कि इस पार्टी के अंदर कितने जो लोग हैं वो शामिल होंगे। इस प्रकार से जो है लोग अपने नेता को वोट देते हैं और अपने हिसाब से, क्योंकि इस बार तिकोनिया मुकाबला बनने की संभावना है, आने वाला चुनाव जो है वो काफी अच्छा भी बनेगा और लोगों को भी अपने जो है वो नेता मिलेंगे वोट देने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम स्थल से सीधा ये प्रसारण हम आपको दिखा रहे थे, हमारे जो संवाददाता है वो वहां पर मौजूद है और देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की ये जो बड़ी रैली है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पूरी कोशिश है इसे सफल बनाया जाए।